सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज भी का हमारे ट्यूशन चिपटेस में वापस स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे सीबीएसई के स्टूडेंट में से रोजाना पूछते हैं कि सर सीबीएसई बोर्ड के अंदर इस साल पासिंग क्राइटेरिया है या नहीं, मतलब सर हमें इस बार पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, मतलब जो लास्ट ईयर जो पासिंग क्राइटेरिया था थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के में पास होने वो वाला रूल इस साल है या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सभी को गाइज मैं आपको एक ऐप का बताना चाहूँगा जो आपकी स्टडी में काफ़ी हेल्प करेगा। डाउट नट, अगर गाइज आप किसी सवाल में अटक गए या फिर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो गाइज सिंपली इस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करो, क्रॉप करो और सेंड कर दो डाउट नट ऐप के अंदर। विद इन 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो फॉर्मेट के अंदर सॉल्यूशन मिल जाएगा। गाइज वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या फिर कोई भी दूसरे स्टेट बोर्ड का हो, 6 से लेकर 12 तक IIT-JEE एडवांस नीट सभी के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। और गाइज आपको इस ऐप के अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ के, बायोलॉजी के भी सॉल्यूशन मिलेंगे। और गाइज अभी डाउट नेट के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, क्लास 9 से लेकर 12 के स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए क्लासेस है। गाइज 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट डाउट नेट ऐप को यूज कर रहे हैं, इसलिए अभी डाउट नेट ऐप को डाउनलोड करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो गाइज मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो CBSE क्लास 10th है उसके अंदर पासिंग क्राइटेरिया है या नहीं, वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि गाइज अभी तक CBSE ने प्रैक्टिकल एग्जाम की गाइडलाइन जारी नहीं की है। गाइज वैसे तो CBSE ने कंफर्म कर दिया, जो CBSE के एग्जाम कंट्रोलर है उन्होंने कंफर्म कर दी ये बात कि इस महीने की एंड तक जो CBSE प्रैक्टिकल्स हैं उनकी गाइडलाइन जारी हो जाएगी। तो गाइज आप सभी को ये बात भी कंफर्म हो जाएगी कि इस महीने की एंड तक पता लग जाएगा आपको कि CBSE के अंदर इस बार पासिंग क्राइटेरिया है या नहीं। वैसे गाइज मैक्सिमम चांस तो यही है कि पासिंग क्राइटेरिया सेम रहेगा CBSE का, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं की गई है। अगर गाइज पासिंग क्राइटेरिया होता है CBSE क्लास 10th के अंदर, गाइज मैं वापस रिपीट कर दूं कि मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, क्लास 12th की नहीं कर रहा, क्लास 10th के अंदर अगर इस साल पासिंग क्राइटेरिया होता है पिछले साल जैसा, तो गाइज आपको पास होने के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के 33 मार्क्स लाने होंगे। गाइज अगर ये होता है रूल, वैसे तो गाइज लास्ट 3 ईयर से ये रूल हो रहा है, जब से CCE पैटर्न को हटाया गया है उसके बाद में ये रूल को फुली यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है इस बार भी कि ये रूल सेम रहेगा। बाकी CBSE कंफर्म नहीं करते, तब तक आपने कुछ नहीं कह सकते। तो गाइज आप वेट करो, अगर CBSE के ऊपर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है पासिंग क्राइटेरिया को लेकर या फिर CBSE क्लास 10 पासिंग मार्क्स को लेकर, तो मैं जल्दी वीडियो बना के बता दूंगा। तब तक गाइज आप सभी को एक ही काम करना है, इस वीडियो को मैं सारे फ्रेंड्स से शेयर करना, जिससे उनको भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो उनको भी अपने क्वेश्चन के आंसर मिल सके। और गाइज मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि मैं अपने इस चैनल के ऊपर CBSE क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, नोट्स वगैरह अपलोड करता रहता हूं। तो गाइज अगर आपको लगता है कि मेरे को इस टाइप की वीडियोस और लेकर आनी चाहिए, अपलोड करनी चाहिए, तो गाइज अपना सपोर्ट जरूर मेरे को दो, जिससे मैं आप सभी के लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं। तो गाइज हो सके तो वीडियो को मैं सारे फ्रेंड्स से शेयर करें, जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल सके। गाइज जैसे ही पासिंग क्राइटेरिया के ऊपर या फिर प्रैक्टिकल मार्क्स के ऊपर CBSE क्लास 10th या 12th के प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी गाइडलाइन आती है इस महीने के एंड तक, तो मैं जल्दी से वीडियो बना के आपको सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अपने फ्यू मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने घर पर रहो और सेफ रहो।